नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग केयर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के सेकेंड ईयर कोर्स पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। आज हम फ्रोजन सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, फ्रोजन सेक्शन यूजेस, फ्रीजिंग टिश्यू, क्रायोसेक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रोजन सेक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में। फ्रोजन सेक्शन टिश्यू के सैंपल की इमीडिएट रिपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्रायोस्टेट की हेल्प से टिश्यू को कूलिंग करके रैपिड टिश्यू सेक्शन किया जाता है। क्रायोस्टेट टिश्यू फ्रीज करने का इंस्ट्रूमेंट है और माइक्रोस्कोपिक सेक्शन के लिए भी फ्रोजन हुए टिश्यू को कट करने का काम भी करता है। टिश्यू के सैंपल को रैपिड से फ्रीजिंग वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देता है। टिश्यू के भीतर की फर्म टिश्यू को काटने के लिए एम्बेडिंग मीडिया के रूप में कार्य करता है। फ्रोजन सेक्शन का यूज़ मैन्युअली इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए लीजन के रैपिड डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। लीजन की सीमा जानने के लिए एंजाइम इम्यूनोकेमिस्ट्री और इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टडी करने के लिए और टिश्यू में लिपिड और कुछ कार्बोहाइड्रेट को स्टेन करने के लिए भी किया जाता है। आइए इसी से जुड़ा अपने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। द फ्रोजन सेक्शन इज मेनली यूज फॉर रैपिड डायग्नोसिस ऑफ द लीजन फॉर इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड ऑल्सो यूज फॉर। तो इसके ऑप्शन है टू नो द एक्सटेंट ऑफ द लीजन, टू डू एंजाइम इम्यूनो साइटोकेमिस्ट्री, इम्यूनो फ्लोरेसेंस स्टडी, टू स्टेन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट इन द टिश्यू, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अब अपन बात करते हैं फ्रोजन सेक्शन यूजेस के बारे में। फ्रोजन सेक्शन प्रोसीजर का मेन यूज टिश्यू का एग्जामिनेशन है जब सर्जरी हो रही होती है। यह विभिन्न रीजन से हो सकता है। मोस्ट सर्जरी के परफॉरेंस में यह एक सर्जरिकल स्पेसिमेन के रियल टाइम मार्जिन कंट्रोल के लिए एक सिंपल मेथड है। यदि एक ट्यूमर मेटास्टेसाइज किया गया अपियर होता है तो एक्सपेक्टेड मेटास्टेसिस का एक सैंपल इसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए क्रायोसेक्शन के लिए भेजा जाता है। इससे सर्जरी को यह डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि क्या ऑपरेशन जारी रखने का कोई मतलब है। यूजुअली अग्रेसिव सर्जरी तभी की जाती है जब पेशेंट को ठीक करने का चांस मिलता है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ ए ट्यूमर अपीयर टू हैव मेटास्टेसाइज्ड, ए सैंपल ऑफ द सस्पेक्टेड मेटास्टेसिस इज ब्लैंक स्पेस टू कंफर्म इट्स आइडेंटिटी। तो इसके ऑप्शन है एंट फॉर क्रायोसेक्शन, रिसीव फॉर क्रायोसेक्शन, कन्वर्ट फॉर क्रायोसेक्शन, या नन ऑफ देम। तो इसका सही आंसर होगा सेंट फॉर क्रायोसेक्शन, यानी कि ऑप्शन ए। अब अपन बात करते हैं फ्रीजिंग टिश्यू के बारे में। ऑप्टिमम कटिंग टेम्परेचर या ओसीटी या इसी तरह के एम्बेडिंग मीडिया जैसे टीबीएस या ट्राई बफर्ड सलाइन या क्रायो जेल को एक उचित साइज के चक पर रखा जाना चाहिए जिसे क्रायो स्टेट में रखा गया है। चक क्लीन होना चाहिए। टूथ ब्रश टिश्यू और ओसीटी को हटाने के लिए उपयोगी है। मेथनॉल में चक को डुबाने से बर्फ के क्रिस्टल निकल जाते हैं। एक -20 से -15 डिग्री ऑप्टिमम क्रायोस्टेट में चक को रखा जाता है। ध्यान दें कि ऑप्टिमम कटिंग टेम्परेचर मीडिया पूरी तरह से जमे हुए नहीं होना चाहिए। सेमी सॉलिड स्थिरता होना बेहतर है। यह टिश्यू की कलाकृतियों को कम करेगा। टिश्यू का साइज 3 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। सबसे बड़े डायमेंशन में 5 मिलीमीटर थिनर स्पेसिमेन में कम ठंड का टाइम और न्यूनतम बर्फ क्रिस्टल आर्टिफिकेट या विरूपण साक्ष्य फॉर्मेशन होता है। टिश्यू जितना छोटा होगा उतना ही अधिक और पूरी तरह से फ्रीज होता है। टिश्यू को सेमी सॉलिड चक पर रखें और टिश्यू पर अधिक मीडिया को रैपिडली ऐड करें। इसे पूरी तरह से कवर करें लेकिन ओवरफ्लो से बचें। चक को जल्दी क्रायोस्टेट में वापस रखें। क्रायोस्टेट पर रैपिडली फ्रीज या क्विक फ्रीज विकल्प का उपयोग करने के लिए हीट सिंक या कार्बन डाई एरोसोल लागू करें। हिस्टोबाथ फेज्ड आउट किया जा रहा है। क्रायोवेल्स की बात करें तो एक समतल पर सभी टिश्यू रखने में
उपयोगी बड़े टिश्यू के साथ फ्रोजन हुए छोटे टिश्यू के नुकसान को खत्म करने में भी सहायक है। हालांकि एक साथ विभिन्न आकारों की फ्रीज नहीं करने की सिफारिश की गई है। एरोसोल स्प्रे की बात करें तो अक्सर कैनेड या कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज को एरोसोलाइज कर सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन आइसोपेंटेन आधारित वर्कफ्लो शामिल है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर फ्रीजिंग टिश्यू साइज शुड बी नो ग्रेटर देन, तो इसका सही आंसर होगा 3 to 5 मिलीमीटर इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन, यानी कि ऑप्शन बी। अब अपन बात करते हैं क्रायो सेक्शनिंग के बारे में। एक बार चक पोजीशन में होने के बाद काटने वाले ब्लेड के करीब ब्लॉक को मूव करने के लिए एक मैनुअल या एक ऑटोमेटिक एडवांस ऑप्शन होना चाहिए। पूरी तरह से अपने क्रायोस्टेट पर ट्रिम सेटिंग का यूज़ करके टिश्यू का सामना किया जाता है। यदि आपके पास यह सेटिंग नहीं है तो एक एडवांस बटन अवेलेबल होना चाहिए, जिससे हर बार इंस्ट्रूमेंट्स व्हील्स की एक पूर्ण क्रांति से पहले दबाया जाना चाहिए। यदि व्हील्स का उपयोग ब्लॉकों को जमने के लिए किया जाता है तो टिश्यू एक प्लेन पर होना चाहिए और टिश्यू तेजी से सामना करना पड़ेगा। टिश्यू को जमकाने या पॉलिशिंग के लिए क्रायोस्टेट को आगे बढ़ने से बचे या क्रायोस्टेट पर ट्रिम सेटिंग को रद्द करें और 10 से 15 बार घुमाएं। जैसे कि आप टिश्यू को काटते हैं, फोल्डिंग या क्रिलिंग को रोकने के लिए टिश्यू को लंगर डालना या एंटी रोल बार क्रायोस्टेट से जुड़े एक प्लास्टिक प्लेट के साथ या कड़े ब्रिसल्स और एक वाइड ग्रेपिंग सतह के साथ एक पुनर्निर्मित पेट्री ब्रश का उपयोग करके किया जा सकता है। ब्रश को एक एंगल पर अपने लेफ्ट हैंड से पेन की तरह रखना चाहिए। आप स्टेबलाइजेशन के लिए स्टेज पर अपनी 5th फिंगर को रेस्ट दे सकते हैं। एक एंगल पर ब्रश के ब्रिसल्स को काटने से ब्रश को उसकी लंबाई से अधिक टिश्यू को पूरा करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि आप इसे एक एंगल पर पकड़ेंगे। बिना रुके निरंतर गति में अपने राइट हैंड से व्हील घुमाए, तेजी से लाने या धीमा करने से बचे। सेक्शन की शुरुआत में व्हील या पहिया को रोकने से बचे, धीरे धीरे टिश्यू को हथियाने और फिर पहिया चक्कर को फिर से शुरू करने। इससे खंड मोटाई और टिश्यू तय में विभिन्नता जैसी कलाकृतियां बन सकती है। ब्रश को मूव करें क्योंकि चक ब्लेड की ओर बढ़ता है। आपके ब्रश को चक के साथ गति में नीचे जाना चाहिए। आप अपने ब्रश को टिश्यू के संपर्क से बचने के लिए अपने चक के बहुत नीचे तक आराम से रख सकते हैं। चक को ब्लेड से मिलते ही ब्रश को आसानी से खींच ले। ब्रश की डाउनवर्ड्स मोशन आपके अपने सेक्शन के रूप में निरंतर गति रखने की अनुमति देती है। एक ग्लास स्लाइड को टिश्यू से रखा जाता है। टीसी सेक्शन को स्लाइड पर मेल्ट करना चाहिए। तैयार स्लाइड को इमिडिएटली फॉर्मल एल्कोहल 95% एल्कोहल, मेथनॉल या एथनॉल या फॉर्मलिन में जाना चाहिए, जबकि स्टेन लाइन का इंतज़ार करना चाहिए। यदि आप इस कदम में देरी करते हैं तो सूखने की कलाकृतियाँ उत्पन्न होगी। आप लगभग 20 टन के बाद एक डीपर लेवल ले सकते हैं। ब्रेस्ट या प्रोस्टेट बायोप्सी के लिए कई लेवल्स की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्टिमल कटिंग थिकनेस 4 to 7 माइक्रोन सेक्शन के लिए और 20 to 40 माइक्रो ट्रिमिंग के लिए होती है। स्टेनिंग स्लाइड्स की बात करें तो सभी स्टेन और सॉल्यूशन फ्रेश और अच्छी तरह से बनाए रखें। हेमाटोक्सिन और इओसिन स्टेनिंग के लिए इस ऑर्डर में रिएजेंट में स्लाइड डिप करना चाहिए। फ्रोजन सेक्शन को प्राप्त करने के बाद इमिडिएटली 95% एथनॉल में फिक्स करते हैं। 15 सेकंड की देरी भी महत्वपूर्ण विरूपण साक्ष्य पैदा कर सकती है। फॉर्मल एल्कोहल फॉर्मलिन या 95% एल्कोहल 45 to 60 सेकंड तक रखना होता है। इसके बाद इसे पानी में 5 to 7 सेकंड तक रखना होता है। हेमाटोक्सिलिन 60 सेकंड तक रखना होता है। फिर लिथियम कार्बोनेट या 0.2% एक्वस अमोनियम ब्लूइंग 15-20 सेकंड तक रखना होता है। इओसिन में 20 to 60 सेकंड तक रखना होता है। 95% एल्कोहल में 10 सेकंड तक रखना होता है। 100% एल्कोहल में 10 सेकंड तक रखना होता है। ज़ाइलिन या लिमोनिन डेरिवेटिव और क्लैडराइट में। फिर कवर स्लिप के लिए माउंटिंग मीडिया ऐड किया जाता है। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।